नमस्कार श्रोताओं, हमारे YouTube चैनल कहानियों का संसार में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना श्रोताओं। क्या आंखों देखी बात झूठी हो सकती है? हाँ, वास्तव में झूठी हो सकती है, और इस पे मैं प्रकाश डालेंगे। नंबर दो, क्या कानों से भी सुनी बात झूठी हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है, कानों से सुनी बात झूठी। फिर सच कौन सी बात होती है श्रोताओं? जो हमारी अंतर आत्मा से दिल से बात निकलती है वो सच होती है। आज मैं आपको इसी कहानियों पे प्रकाश डालूंगा। प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसी कहानियां मोटिवेशनल आपको मिलती रहेंगी। आपको एक व्यापारी था, बहुत बड़ा व्यापार था, और वो व्यापार करता था, अपने शहर से दूसरे शहर में जाया करता था। कि उसकी शादी हुई थी दोस्तों श्रोताओं, उसका एक पुत्र था जो लगभग 10 साल का था। तो उसने अपना एक घोड़ा लिया, घोड़े में मुद्रा डाली जो रुपए होते हैं, और चल दिया। चलते 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 दोस्तों शाम हो गई, उसे एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पे उसका घोड़ा भी बंद जाए और उसे विश्राम करने की व्यवस्था हो जाए। दोस्तों जब वो शाम को थक गया, एक जंगल में एक ऋषि थे जो विद्वान थे, बाबा थे, उनकी एक कुटिया थी, कुटिया मिली। उसने सोचा यहाँ से अच्छी और कोई जगह नहीं मिलेगी। जो बाबा थे वो तपस्या में लीन थे, और वो बाबा के पास पहुंचा, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बाबा ने देखा, हे मुसाफिर, तुम यहाँ कैसे? ये तो जंगल है, जंगल में तो दूर दूर तक कोई नहीं है। तो ये बोला, बाबा मैं एक व्यापारी हूँ, मैं व्यापार करने के लिए दूर जा रहा हूँ, इसलिए मुझे यहाँ रात्रि हो गई, मुझे यहाँ विश्राम करना है। दोस्तों तो कई बिल्कुल बाबा ने कहा, बिल्कुल सही है, आप विश्राम कर सकते हैं, मगर शाम हो गई भाई, हमारे घर पे अगर कोई अतिथि है, अतिथि देवो भव, मतलब कोई भी मेहमान आए, हमें उसका स्वागत करना चाहिए, उसे भोजन भी कराना चाहिए, चाहे मेरे घर पे कोई दुश्मन भी आ जाए। फिर दोस्तों जो बाबा थे वो बहुत ही विद्वान बाबा थे, और उन्हें एक सूर्य देव ने एक दान पात्र दिया था, उसमें वो जो भोजन मंगवाते थे वो आ जाता था शक्तियों द्वारा, मंत्रों द्वारा। तो उन्होंने, शाम हो गई भाई, भूख लगी होगी मुसाफिर को, तो उन्होंने दान पात्र में कहा, हे सूर्यदेव, इसमें 56 प्रकार के व्यंजन बन जाएं। व्यंजन बन गए, और जैसे ही व्यापारी को दिए, व्यापारी खाने के लिए खाया, व्यापारी ने खाना और कहा, ऐसे तो भोजन मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं खाए, पहली बार खाए जबकि मैं महलों में रहता हूँ। दोस्तों जब विश्राम हो गया, सुबह हो गया, दोस्तों उसके मन में रात में जी चलता रहे कि भोजन आता कहाँ से। उसने सोचा, आज मेरा मन नहीं है, हम थक गए। दूसरे दिन को उसने कहा, मैं आज फिर रुकूंगा। बाबा ने कहा, रुक जाओ जैसी आपकी इच्छा। बाबा ने कहा कि मुझे कोई कहानी सुनाओ जिससे मतलब मेरी रात कटे। मतलब व्यापारी ने बाबा से कहा, मुझे ऐसी कोई कहानी सुनाओ जिससे रात कटे। तो बाबा ने कहा, मैं आपको एक बात बताऊंगा, एक बात की आपको 500 मुद्रा देनी पड़ेंगी। भाई एक बात की 500 रुपये, चलो 500 रुपये दे दिए। बाबा ने कहा, आंखों से देखी बात झूठी हो सकती है। अरे बाबा, आपने तो बहुत झूठी बात बता दी है, इसके आपने 500 रुपये ले लिए, अब दूसरी भी बताओ। दूसरी बात ये थी, बाबा ने कहा, कानों से भी सुनी बात झूठी हो सकती है, कानों से भी सुनी बात झूठी हो सकती है। बाबा ये भी तो बात बहुत छोटी है, आपने इसके भी 500 रुपये ले लिए। बाबा तीसरी बात बताओ। बाबा ने कहा, लाओ 500 रुपये फिर दो। तो उसने 500 रुपये फिर दिए और कहा, जो अंतर आत्मा से बात कर निकलती है वो बिल्कुल सच होती है, आप इन बातों पर अमल करना। कोई बात नहीं भाई, सुन ली उसने ध्यान में और चल दिया। दोस्तों चलते चलते वो समुद्र के किनारे पहुंच गया, समुद्र के पास में उसने अपना घोड़ा, जहाँ हस्तबल का दरबार था, हस्तबल के घोड़ा खड़े होते थे, वहाँ अपने हार्स को, एस को छोड़ दिया और नाबली चल दिया।
दोस्तों उधर से व्यापारी आ रहे थे। व्यापारी ने कहा कहाँ जा रहे हो आप? उसने कहा मैं तो व्यापार करने जा रहा हूँ। आप इस राज्य में चले जाइए जी, समुद्र के पार है, उस राज्य में आपका बहुत ही व्यापार चलेगा। तो उसने कानों से सुल दी और वो चल दिया। दोस्तों उसने बाबा की बात पर अमल नहीं किया क्योंकि उन्होंने कहा था कानों से सुनी बात भी झूठी हो सकती है। दोस्तों जिस राज्य में पहुंचा वहां एक व्यापारी ने एक राजा की लड़की का नौलखा हार ठग ले गया था और जब वहां कोई व्यापारी जाता था और उसको वो बंदी गृह में डाल देता था। दोस्तों जब ये वहां पहुंचे इन्हें व्यापारी को बंदी गृह में डाल दिया। फिर दोस्तों 5 साल तक इन्हें बंदी गृह में रखा। फिर ये सोचने लगे कि आज हम बाबा की बात मान लेते तो मुझे ये दुख उठाना नहीं पड़ता। दोस्तों कानों से सुनी बात झूठी हो सकती है। 5 साल हो गई दोस्तों, ऐसे ही चलता रहा। दोस्तों जिस व्यापारी ने लड़की का हार चुराया था वो 5 साल बाद फिर पहुंच गया, फिर ठगने के जुगाड़ में। दोस्तों जब महल के पास में वो पहुंचा और वो ठगने लगा लोगों से, कहने लगा कि मैं ये चीज़ वस्तु बेच रहा हूँ, क्योंकि लोगों ने उसे पहचान लिया था बाबा के दरबार में, जो दोस्तों महाराज का दरबार था, राजा के दरबार में उसे पेश किया गया तो राजा ने उसे पकड़ लिया और जितने लोग 5,000 व्यापारी बंद थे उन्हें छोड़ दिया। फिर जो दोस्तों चले गए, फिर चलते चलते दोस्तों क्या हुआ कि रास्ते में एक बियाबाल जो जंगल होता है वहाँ एक महल था। इन्हें प्यास लगी दोस्तों, इन्हें जब वहाँ प्यास लगी तो उन्होंने देखा कि जब महल में जा रहे थे इनकी अंतर आत्मा जो कह रही थी यहाँ खतरा है, यहाँ मत जाओ, मगर दोस्तों जो हमारी अंतर आत्मा से बात निकलती है वो सच होती है। वो महल था, एक जंगल में एक दानव रहता था, उसकी एक लड़की बैठी थी। उसने कहा तो हे मुसाफिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसने कहा मैं व्यापारी हूँ, मुझे आराम करना है। अगर तुम आराम करना चाहते हो तो थोड़ी देर तक आराम करो और निकल जाओ, वरना नहीं अगर मेरे पिताजी जो दानव हैं दानी हैं वो आपको खा जाएंगे। दोस्तों उन्होंने जैसे तैसे अपनी जान बचाई और चल दिए दोस्तों, क्योंकि जो उनकी अंतर आत्मा से बात निकल रही, जो अंतर आत्मा से बात निकलती है वो सच होती है। दोस्तों वहाँ से जान बचाई और अपने घर की तरफ चल दिए, क्योंकि उन्हें आज 8 साल हो गए थे, घर पे नहीं पहुँचे थे। दोस्तों उनका पुत्र था एक, जो उस समय 10 वर्ष का था, आज वो 18 से 20 वर्ष का हो चुका था। जब वो घर में पहुँचे दोस्तों, वो अपने महल में अपनी पत्नी को एक युवक के साथ लेटा देखा तो वो चौंक गए कि मेरे जाने के बाद में एक गुड़ खिला रही है। दोस्तों जैसे ही उन्होंने ऊपर से एक तलवार उठाई और जैसे ही उन्होंने कहा मैं इस युवक का सिर काट लेंगे, जब सिर काट लेंगे दोस्तों, जैसे ही उन्होंने बाबा की बात ध्यान आ गई कि आंखों देखी बात झूठी हो सकती है, जैसे ही उन्होंने उठाया दोस्तों, उन्हें बाबा की बात पे उन्होंने अमल किया। लोग कहते हैं कि आंखों देखी बात क्या झूठी हो सकती है? हाँ वास्तव में झूठी हो सकती है। जैसे ही उसने उठाया कि पत्नी अपनी दोस्तों, तो उन्होंने कहा जी हर का बेटा है दोस्तों, माँ बेटा पास में लेट सकते हैं दोस्तों, चाहे कितनी भी उम्र हो जाए, क्योंकि माँ के लिए बेटा ही होता है, क्योंकि अगर वो माँ के बाबा की बात पर अमल नहीं करते तो हो सकता है कि अपने बेटे का वो सिर काट देते। दोस्तों हमें कोई भी काम, क्रोध लोभ कोई भी काम करना चाहिए सोच समझ के करना चाहिए। दोस्तों ये वास्तव में सच है, जो अंतर आत्मा कहती है वो सच है। कानों देखी बात झूठ, कानों से सुनी बात झूठी हो सकती है, आंखों देखी बात झूठी हो सकती है। दोस्तों कोई भी काम करें सोच समझ के करें। दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़। आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है दोस्तों एक कहानी को तैयार करने में। दोस्तों मेरा उद्देश्य किसी को भावनाओं को ठेस पहुँचाने का नहीं है। दोस्तों प्लीज़ जय हिंद वंदे मातरम।